मान सुमन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा डिश बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों ने कभी ना देखा होगा ना कभी बनाया होगा, और जब बनाया नहीं होगा तो खाया भी नहीं होगा। इसलिए आज हमारी ये रेसिपी वीडियो के अंत तक देखिए और बनाइए। इसके लिए हमने चावल 2 गिलास चावल ले लिया है और 1/2 गिलास चने का दाल, जिसको मैंने 5-6 घंटे तक भिगो कर रख दिया है। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही आसान है। आप अगर चावल नहीं भिगो कर रख पाए हैं, आपको जल्दी बनाना है, तो आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। चावल का 2 गिलास इसी तरह चावल का आटा भी लेंगे और 1/2 गिलास बेसन लेंगे। दोनों को 1/2 घंटा पहले मिक्स करके घोल बनाकर रख लीजिए चिल्ला के जैसे। और एक बाउल हमने मटर ले लिया है। अब इसमें हम मिलाने जा रहे हैं। हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और इसी में ये मटर भी डाल देंगे। आप मटर बिल्कुल कड़े मटर नहीं लीजिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट और छोटे छोटे मटर लीजिएगा। अब इसको होते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और झटपट तरीके से ये बन जाता है। आप इसे नाश्ता में बनाएं या डिनर में बनाएं, आप इसे ब्रेकफास्ट या डिनर में दोनों टाइम बना सकते हैं। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत बनता है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे 2 तरीके से बनाना बताएंगे। आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक आयली भी बना सकते हैं। अगर आप आयली नहीं पसंद करते हैं, हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। इस तरह से आप आयल में डालते जाइए। हमारा तेल बिल्कुल गर्म है। इस तरह आप गर्म तेल में इसे डालते जाइए। इससे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप आकार पे ध्यान मत दीजिए। आकार ये जिस भी आकार में बन जाए वो भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप इसे जिस किसी के सामने रखेंगे, सभी इसे पसंद करेंगे और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आप इसे पलट दीजिए। जब ये हल्का गुलाबी कलर का हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिएगा। 2 मिनट तो लगेगा ही पकने में। फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये चूल्हा रेडी हो गई है। हल्का पिंक कलर में आ गया है और पूरी तरह से तल गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बार और बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड, आप ध्यान से देखिए और इसे बनाइए। सभी लोगों को इतना पसंद आएगा कि आपसे बराबर बार बार बनाने को कहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका आयल बिल्कुल निकाल लेंगे इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना प्यारा आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना यम्मी एवं लाजवाब लग रहा है और खाने में तो टेस्ट कितना टेस्टी होगा। फ्रेंड्स अब हम कम आयल में हेल्दी तरीके से बनाना भी बता रहे हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए, जिसको ज़्यादा आयली नहीं पसंद है तो हम कम आयली में इसको बना कर दिखाते हैं। इसके लिए हमने तवा को गर्म कर लिया है
और तवा में ऑयल को लगा देंगे इस प्रकार से। एक चम्मच ऑयल में भी इसको अच्छे से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हम इसको तवा पे भी बना सकते हैं कम ऑयल में। हेल्दी, आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो कम ऑयल में भी ये हेल्दी बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसको फैला देंगे तवा पे। इस प्रकार से हम तवा पर फैला कर 2 मिनट इसको पकने देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा 2 मिनट हो गया है। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल इस प्रकार से लगा देते हैं। अब इसको हम पलट कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन कलर, बहुत प्यारा आया है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। आप इस प्रकार से ऑयल लगा दीजिए। आप इसको हेल्दी तरीके से भी बना सकते हैं और तल के भी बना सकते हैं, है ना फ्रेंड्स? इतना टेस्टी और लाजवाब। 2 मिनट में ये भी बनकर रेडी हो गया है, कलर भी बहुत प्यारा आया है। इस प्रकार से हम दोनों तरीकों से हम इस रेसिपी को बना सकते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारी चूल्हा दोनों तरह से तैयार है और देखने में भी कितना लाजवाब लग रहा है। आप इसे बनाकर सर्व करें और सबका मन से सभी लोग इसे खाएंगे और बार बार बनाने को कहेंगे और आपका खा कर भी मन नहीं भरेगा। लेकिन इस प्रकार से ये टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइए और हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।